तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगने पर भी क्यों कट फट जाता है नहीं या फिर काट देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये जब फिजिक्स का जानकारी नहीं रहता वो आदमी नहीं समझेगा, लेकिन तू लोग तो फिजिक्स पढ़ रहा है तो ये समझो कि हम डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, है ना, प्रयोग कहाँ होता है। तो जब कैंची का धार जो है वो तेज होता है ना, तो उसका आगे वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम रहता है, क्या रहता है, कम रहता है। धार यदि कमजोर होगा यानी कि मोटा हो जाता है तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए आपको कम प्रेशर लगाना पड़ता है, प्रेशर बराबर क्योंकि होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। मान लीजिए किसी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, एरिया कितना है मान लो 10, तो 5 × 10 m² तो 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 आएगा ना। यदि यही फोर्स मान लो 5 न्यूटन का लग रहा है, एरिया बढ़ जाए मतलब उतना ही जोर से तुम काटने का कोशिश कर रहा है, एरिया क्या हो जाए, 20 कर दे, ठीक है, तो 5 × 20 तो 0.1/4 भाग देंगे तो कितना होगा, 0.25। अब ये देखो 0.5 बड़ा हुआ कि 0.25 बड़ा हुआ, 0.25 बड़ा हुआ, कौन सा पता बड़ा हुआ, ये 0.25 छोटा होता है, छोटा ना हुआ, 0.5 है यानी कि आधा है, ये सवा पर भाग गया, नहीं दिखाई दे रहा, समझ आया। तो देखो यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया सर, एरिया यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर एरिया जो है वो बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम गया, कम गया, कम गया, और यहाँ पर एरिया क्या हो गया, कम गया, कि बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, यहाँ से यहाँ ना बढ़ा, ये कम हो गया, कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं, जैसे अगला सवाल यही है कि बड़का बस ट्रक में चक्का जो है बड़ा लगाया जाता है, यानी कि एरिया बढ़ा दिया जाता है, जब ये एरिया बढ़ा देगा तो प्रेशर कम होगा, नहीं, एरिया बढ़ा देगा तो प्रेशर कम होगा ना, तो उतना लोडिंग जो करता है ट्रक सब पर बालू गिट्टी तो चक्का नहीं आवाज कर देगा, तो एरिया बढ़ा देने से प्रेशर क्या होता है, कम जाता है, प्रेशर कम जाता है, नहीं। तो ये तेज धार वाली कैंची की धार क्या होती है, जब तेज होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है और बल लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है और काटने में आसानी होती है, अतः कम बल लगाने पर भी वो तेजी से क्या होता है, कपड़ा कट जाता है, नहीं, यानी कि एरिया कम रहेगा तो एरिया कम रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा, नहीं उल्टा बोलिए, नहीं, एरिया ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा कि ज्यादा बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाने पर देखिए यहाँ 20 कर दिए, बढ़ा दिए एरिया तो प्रेशर कम हो गया ना, एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए अगला सवाल यही है बस टायर वाला, देखिए जैसे मोटरसाइकिल या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं, है ना, होते हैं, क्योंकि इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, वितरित मतलब बट जाते हैं, नहीं, जिससे टायर पर क्या होता है, दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचे रहते हैं। तो सवाल हमारा यही है कि मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि अभी पहले बताए, क्योंकि जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, है ना, जब कभी भी जैसे मान लो एक बार और बताए थे कि जैसे दलदल वाले स्थान पे जा रहे हैं तो कम एरिया वाला जूता पहन के जाएगा तो धसेगा, अब बड़का तख्ता की तरह लगा लेगा तो एकदम आराम से पार कर जाएगा, तो वहाँ पर जब कभी भी ऐसा स्थिति बने तो जिंदगी में फिजिक्स पढ़ाए इस्तेमाल करो, समझ में आ गया, एरिया बढ़ा देंगे, एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, नहीं। अगला सवाल है किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है, नहीं, अब बताओ कोई भी पिंड को हम क्या करेंगे, द्रव में अंदर डुबो देंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा कि कम जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिख दिया हुआ है कि वस्तु किसी
भी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? तो आयतन क्या होता है उसका? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, पानी के अंदर जब डूब रहा होता है वहाँ पर, तो उत्प्लावन बल वो लगता है अंदर से। इसलिए एक हल्का लड़का भी भारी आदमी को उठा सकता है पानी के अंदर, फोर्स ऑफ वायलेंसी के कारण। नहीं जी, तो कोई भी द्रव जब पानी में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? कोई भी व्यक्ति जब पानी में डूबता है ना तो उसको ऊपर फेंका जाता है, है ना, संभल गया तैरने लगा या कोई पकड़ लिया तो बच जाएगा, दो तीन बार उसको ऐसा फेंकता है। जैसे बाल्टी में लोटा रख करके क्या करो, डूबो, जोर से प्रेस करो तो क्या डूबले रह जाते, ऊपर चलाता है। क्यों आता है? उत्प्लावन बल के कारण। किस बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। इसका खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज नहीं, कैसा यूनान कराने वाला है ना। जल से संबंधित नियम को भी हमें जानकारी लेकर के रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कहता है? पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़कर यह छोड़ देने पर क्या होगा? यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? क्योंकि प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, नहीं उत्प्लावन बल, उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका पानी की सतह पर उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से अधिक होगा। हमारे पास अधिक शक्ति होगा तुमसे तो हम खींच लेंगे, है ना। जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है इसका ये मतलब है कि सूर्य के पास ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए उसको अपने तरफ खींचा हुआ आकर्षित होकर चक्कर लगा रहा है। नहीं जी। अगला सवाल ये छोटा छोटा है, समझ में आया? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद क्या आएगा हमारा? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय, लघु नहीं होगा। नहीं, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की हानियां समान है ना, क्या हो रही समान हो, तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? तो आंसर है कि पिंड के भारों में या हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है, अतः उन पिंडों के आयतनों के बीच बराबर का संबंध होता है। यानी कि जितना पानी को विस्थापित करेगा उतना वो भी करेगा, इसलिए दोनों के वॉल्यूम में क्या होगा? समानता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है नहीं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, रेशियो है, तो उसका कोई घनत्व नहीं होता, इसलिए सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट सवाल नंबर 24, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोगों का उल्लेख करें। तो देखते हैं जहाज नाव सब में, नहीं जहाज या नाव को पानी में तैरना, मनुष्य को नदी या तालाब में तैरना, ये दोनों किसका उदाहरण है? यानी कि उत्प्लावन बल का। नहीं, पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल ने एक नियम दिया था द्रव से संबंधित, इसलिए प्रेशर से संबंधित, इसलिए पास्कल के ना योगदान को ध्यान में रखते हुए दाब का ऐसा मात्रक जो है वो क्या है? पास्कल है। बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है? समान रूप से संचालित होते हैं। नहीं बोलो, यानी कि बंद द्रव में मान लीजिए वो डब्बा है, इसमें कोई पानी रख दिया है, ठीक है, इसको पैक किए हुआ है, तो यहाँ क्या इधर फोर्स ज्यादा लगाएगा इधर कम लगाएगा? बोलिए, ये सभी दिशा में क्या होगा? बल का जो संतुलन है वो क्या होगा? संतुलन मतलब गमन, कार्य जो करेगा वो इक्वल होगा। ये कौन बताया? पास्कल। पास्कल नहीं, किसने बताया? पास्कल नहीं, ठीक है। अगला सवाल क्या है? एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदला जा सकता है या नहीं? कितने हाथ कितने ना क्या होगा?
तो हाँ बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? तो त्वरण अपने गबन के दौरान 5 गुना हो जाता है। तो बताइए फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन। चेंज करेगा तो यो चेंज नहीं हो जाएगा। ये 2 रहेगा, मान लीजिए मास है 5, ये 2 हो गया तो ये 10 रहेगा, यानी कि फोर्स 10 न्यूटन का लग गया। और यदि मास है 5 या ये फिर चेंज कर दिया 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 × 25 हो जाएगा। नहीं तो चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, उस पर लगा हुआ बल भी बढ़ जाएगा, जो पूर्वत बल का 5 गुना होगा। यानी कि ये क्या ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन बढ़ने से बल बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, घटेगा नहीं। उल्टा दिमाग मत लगा, है ना? बोलो रे, जैसे 2 था तो 10 न्यूटन फोर्स लगाना रे, 5 हो गया तो 25 न्यूटन लग जाएगा। तो बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया, बढ़ गया, है ना? तो ये कोई सवाल पूछे कि बताइए किसी भी पिंड का त्वरण अपने गबन के दौरान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, 5 गुना हो गया। तो बताइए क्या उस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा कि फोर्स समान रहेगा कि कम जाएगा? तीन ऑप्शन देगा, फोर्स बढ़ेगा या फिर देगा अगला कम जाएगा, या फिर कोई चेंजिंग यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इसमें से कोई तो क्या मानेगा? बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा। नहीं तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है।